नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज़ 100। मैं हूं आपके साथ काजल सदल। मैं आपको बता दूं कि अभी नीलम पुल के फ्लाईओवर पे मौजूद हूं और आप ये देखिए कि गाड़ी का जो है किस तरह से एक्सीडेंट हो चुका है। आगे से जो बम्पर है वो पूरा का पूरा तहस नहस हो चुका है। अगर मैं आपको एक बार गाड़ी का नंबर बता दूं तो गाड़ी का नंबर है HR51BE0242 जो है गाड़ी का नंबर है। मैं आपको बता दूं होंडा गाड़ी है। ये देखिए कि इसकी हालत क्या हो रही है। एक बार यहाँ पे पहुंचे पुलिस अधिकारियों से जानते क्या सर क्या है। पहले इसको संभालवा लेते हैं। मामला बता दीजिए क्या है? कुछ नहीं पता अभी हमें भी। हम अभी पहुंचे हैं यहाँ पे। पहले गाड़ी को साइड में करवाने दीजिए। देखिए मैं आपको बता दूं, दो मिनट टाइम दीजिए। देखिए गाड़ी को जो है यहाँ से पुलिस जो है वो लेकर जा रही है। मैं आपको बता दूं हालत बहुत ज्यादा जो है इसके खराब हो रही है। सोचिए टक्कर इतनी ज्यादा जोरदार थी कि गाड़ी के जो है एयर बैग तक प्रेशर से खुल गए। और मैं आपको बता दूं कि ये दिल्ली की तरफ जाने वाला फ्लाईओवर है और जरा आप खुद सोचिए कि इतनी जोरदार टक्कर थी कि ये देखिए गाड़ी का मुंह जो है घूम गया है पूरा का पूरा। आप दिखाइए किस तरह से, ये देखिए गाड़ी का मुंह जो है पूरा का पूरा घूम गया है और यहाँ से गाड़ी जा रही है। देखिए मैं आपको बताऊँ, ये देखिए पुलिस लेकर जा रही है यहाँ से गाड़ी और ये गाड़ी जा रही है। मैंने आपको गाड़ी का नंबर बता दिया था सर। एक बार अब डिटेल बता दीजिए। हाँ जी, अब डिटेल बता दीजिए। मुझे कुछ नहीं पता चला है। अभी मैं रोड पे पहुंचा था, वो एक्सीडेंट हुआ। पहले टोचन करके भिजवाई है। गाड़ी में युवक कितने थे? गाड़ी में दो बंदे थे। गाड़ी लगती है वो गाड़ी से उतर के भाग गए हैं। अच्छा, देखिए मैं आपको बता दूं गाड़ी में जो है दो लोग मौजूद थे। मैं आपको फिर से बता दूं कि इसकी वजह से काफी तगड़ा जो है जाम यहाँ पर लग गया। आप देखिए कि जाम अब जाके जब गाड़ी थोड़ी हटी है तो जाम जो है यहाँ से खुला है। मैं आपको बता दूं कि ये वही पुल है जहाँ पर एक्सीडेंट हुआ। एक्सीडेंट के केसेस अधिकतर आते रहे हैं। इससे पहले भी NHPC की बात करें या बल्लभगढ़, सर कोई डिटेल बता सकते हैं? अभी कोई डिटेल नहीं बता पाए हैं। अभी हमने देखा है मौके पर, अभी आए थे हम। सर गाड़ी में जो युवक थे वो कहाँ है? जो दो लोग वो युवक थे हमको मिले नहीं है इस गाड़ी के अंदर। नहीं, जो निकले थे गाड़ी से बाहर वो कहाँ है? वो जो निकले हैं वो उनको कोई पहले ऑलरेडी ले जा चुका है इनको। उनके कोई डिटेल नहीं मिला हमको अभी। अच्छा, तो किस चीज से टक्कर हुई थी बता सकते हो? ये पता नहीं था। पर्सन ने शायद उसमें ग्लास में ले उन्होंने दारू ड्रिंक कर रखी थी। हाँ। उसके कारण अनबैलेंस हो गया, गाड़ी पलटी है। अभी कुछ पता है, कह नहीं सकते अभी। मतलब कार ने कार को टक्कर मारी है? ये पता नहीं है, उनसे अनबैलेंस हो गया, गाड़ी पलटी है। अच्छा, उनसे ही अनबैलेंस हो गया पलटी है। ये हो सकता है, पक्का हो सकता है। देखिए मैं आपको बता दूं कि पुलिस को भी पूरी इन्फॉर्मेशन हमें नहीं दी है पुलिस ने। मैं आपको फिर से बता दूं कि फरीदाबाद में इस तरह के एक्सीडेंट के केसेस जो है लगातार आ रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि चाहे वो बल्लभगढ़ फ्लाईओवर की बात करूं या गुडियर चौक की बात करूं या NHPC की बात करूं, हर जगह इन बीते एक हफ्ते में कई ऐसे केसेस एक्सीडेंट के आ चुके हैं, ड्रिंक एंड ड्राइव के आ चुके हैं। कई लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। अभी कुछ दिन पहले भी मैंने आपको एक खबर दिखाई थी हीवो अपार्टमेंट से, सेक्टर 16 से, जहाँ पर एक्सीडेंट हुआ था। एक सेंट्रो ने कार में टक्कर मार दी थी जिसकी वजह से उसमें बैठी जो महिला थी उनके सर पर भी है काफ़ी गहरी चोट लग गई थी। ये देखिए कि पुलिस यहाँ से गाड़ी ले गई है। वो दो युवक आए जिनकी टक्कर हुई थी, वो नहीं मिले इसमें मैम। वो थे बाहर निकले थे। वो बाहर निकले थे पर हमें नहीं पता कैसे निकले थे। अच्छा। हाँ, वहाँ पर ट्रैफिक लगवा था, हमने आके देखा मौके पर वो बंदे मिले नहीं है हमको। आप लोग थे यहाँ पर जब एक्सीडेंट, आपने देखा था जब एक्सीडेंट हुआ? ना जी, मैंने नहीं देखा। आप में से कोई नहीं था? देखिए मैं आपको फिर से बता दूं कि ये जो है ये नीलम फ्लाईओवर है जो कि दिल्ली की तरफ जाने वाला जो रास्ता है उधर जो है ये एक्सीडेंट हुआ है। आप देखिए कि यहाँ से जो है गाड़ियाँ अब खुल गई है, जाम जो है वो खुल गया है। हेलो, मैं आपको बता दूं कि गाड़ी की टक्कर इतनी ज़ोरदार थी कि गाड़ी जो है वो पलट गई थी और उसके बाद जो है गाड़ी को वापस सीधा करने के लिए जो है बुलाया। देखिए मैं आपको बता दूं कि टक्कर जो थी वो काफ़ी ज़्यादा ज़ोरदार थी, इतनी ज़्यादा ज़ोरदार कि जो एयर बैग थे वो तक खुल गए थे। ज़रा आप खुद सोचिए कि जब किसी गाड़ी के एयर बैग खुल जाए तो टक्कर कितनी ज़्यादा ज़ोरदार होगी। आज साल का पहला दिन है और साल के पहले दिन इस तरह की घटना जो है फरीदाबाद में सामने आती है। मैं आपको बता दूं कि आज 1 जनवरी है, नया साल है और ड्रिंक एंड ड्राइव का जो है ये पूरा केस बताया जा रहा है। देखिए ये जो फ्लाईओवर है चलता हुआ फ्लाईओवर है, रोज लाखों लाखों की संख्या में जो है गाड़ियां यहाँ से आती जाती है और उसके बाद जो है इस तरह से ड्रिंक करके गाड़ी चलाना जिसके बाद की गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाए, कहीं ना कहीं अपने लिए तो जान का खतरा है, ये दूसरे के लिए भी है। यहाँ पर मौजूद लोगों को अभी पूरी डिटेल
नहीं पता थी। कितने बजे की क्या समय रहा होगा वो तो बता सकते हैं एक्सीडेंट का? करीबन 7:55 पे हुआ है। 7:55 पे? हाँ हाँ। अच्छा, 7:55 पे जो है यहाँ पर एक्सीडेंट हुआ है, उसके अंदर दो लोग थे। हाँ, दो आगे लड़के थे उसमें। इधर साइड भी ग्लास पड़ा हुआ था, इधर साइड भी ग्लास पड़ा हुआ था। अच्छा, गाड़ी के अंदर? हाँ, गाड़ी के अंदर। तो वो लड़के ठीक है? ये पता नहीं अभी। अच्छा। हाँ, कुछ पता नहीं लग पाया। वैसे तो अगर यहाँ पर देखे तो किसी तरह के ब्लड के स्टेन्स नहीं है, तो शायद चोट नहीं लगी है। हाँ, चोट नहीं लगी है। हाँ, शायद मेरे साथ नॉन इंजर्ड है। ओके, मैं आपको फिर से बता दूं कि देखिए यहाँ पर जाम लग गया था, काफी ज्यादा तगड़ा जाम लगा था, और जो कि गाड़ी के पलटने की वजह से था, और गाड़ी को यहाँ से हटाने के बाद जो है जाम खुल गया है। गाड़ियाँ यहाँ से अब आराम से जा रही है। इससे पहले भी बता दूँ, कई ऐसे केसेस होते आ रहे हैं ड्रिंक एंड ड्राइव के, या फिर ड्रिंक एंड ड्राइव के ना भी हो तो कई बार गाड़ियाँ जो है ओवरफ्लो करके ओवरटेक करके चलती है, और उसके बाद जो है दूसरी गाड़ी से जाके टकरा जाती है। इनका कहना ये जो कि यहाँ पर मौजूद है कि दो गाड़ी में जो है ड्रिंक के जो है ग्लासेस रखे हुए थे, और उसके बाद जो है गाड़ी पलट गई थी। आप खुद सोचिए कितना ज़ोरदार टक्कर रहा होगा। अगर मैं आपको बता दूँ तो देखिए कांच के टुकड़े हैं यहाँ पर, यहाँ कांच के टुकड़े काफ़ी ज़्यादा छोटे छोटे टुकड़े, जो कि बारीक है, दिख भी नहीं रहे, इतने छोटे छोटे टुकड़े यहाँ पर गिरे हुए हैं। और मैं आपको फिर से बता दूँ कि आगे से गाड़ी का बम्पर जो है पूरी तरह से तहस नहस हो गया था, बिल्कुल कुछ बचा ही नहीं था। गाड़ी की हालत बहुत ज़्यादा बुरी हो गई थी, इतनी बुरी कि एयर बैग खुल गए थे। मैं बार बार इस बात पर प्रेशर इसलिए डाल रही हूँ क्योंकि ये नया साल का दिन है, आपके घर वाले आपका इंतज़ार कर रहे होंगे, आपके बच्चे, आपकी बीवी, आपकी माँ, आपकी बहन आपका इंतज़ार कर रही होगी, और इस तरह से ड्रिंक करके गाड़ी चलाना आप अपनी ज़िंदगी के साथ तो खिलवाड़ कर ही रहे हैं, साथ ही साथ उन लोगों की खुशियों के साथ भी आप खिलवाड़ कर रहे हैं। मैं इसलिए इस बात पर ज़्यादा प्रेशर डाल रही हूँ क्योंकि जितने भी व्यूअर्स अभी मुझे लाइव देख रहे हैं उनसे बस मेरी यही दरख्वास्त कि आप जब भी ड्राइव करें सेफली करें। ज़रा सोचिए, नए साल का दिन है, और अगर उन युवकों को कुछ हो जाता तो क्या होता उनके घर पर, क्या होता उनकी माँ का, या अगर वो शादीशुदा होते तो क्या होता उनकी वाइफ का। मैं आपको फिर से बता दूँ, नीलम पुल पे मौजूद हूँ, फ्लाईओवर पे मौजूद हूँ, और ज़रा देखिए कि यहाँ पर जो है वो एक्सीडेंट हुआ था। सोनू कुमार बोल रहे हैं, राम राम, राम राम सोनू जी। हाँ जी, किस बोल रहे हैं आप? कुछ नहीं बोल रहे, आप सुना बोल रहे। देखिए सोनू कुमार बोल रहे हैं, राम राम, राम राम जी सोनू जी। महेंद्र कुमार, गुड वर्क सिटी न्यूज, थैंक यू महेंद्र जी। तो जितने भी व्यूवर्स अभी मेरे साथ जुड़े हुए थे उनको मैं लास्ट टाइम एक बार फिर से बता दूं कि नीलम फ्लाईओवर पे मौजूद हूँ, यहाँ पर 7:55 पर जो है एक्सीडेंट हुआ था। एक्सीडेंट होने के बाद गाड़ी की हालत बहुत बुरी हो गई, एयर बैग खुल गए, उसमें दो युवक थे जहाँ तक हम अंदाज़ा लगा पा रहे, क्योंकि पुलिस को भी पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं थी कि दोनों युवक ठीक हैं। और उसके बाद मैं आपको बता दूं कि अब जो है यहाँ पे जाम की जो स्थिति है वो भी खुल चुकी है। तो ऐसी खबरों के लिए देखते रहे सिटी न्यूज़ 100। मैं काजल चंदेल, साथ ही शालिनी पांडे के साथ सिटी न्यूज़ के लिए।